ओके सो राइट नाउ वी आर एट पुट्रा गया और ये बड़ी हैपनिंग सी प्लेस है। ये आप मेरे पीछे बैक पे चेक कर सकते हैं, इनकी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे इनकी लेक है और यहाँ पे जो है वो क्रूज वगैरह भी चलते हैं। अगर हम ऊपर से इसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का व्यू आता है, ये आप चेक करें। सो आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरी बैक साइड पे ये जो पीछे ब्रिज देख रहे हैं ना, इसको ये लोग यहाँ का सैन फ्रांसिस्को ब्रिज कहते हैं। ये एक्चुअली उसी फॉर्म फैक्टर पे बनाया गया है, सो आप कह सकते हैं चाइना का सैन फ्रांसिस्को ब्रिज। अगर मैं जूम कर सकूँ ये आप चेक करें। सो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। बट नो डाउट यहाँ पे जो आर्किटेक्चर का काम है बहुत अमेजिंग है, तो खूबसूरत जगह है, चेक करें आप। यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स भी मिल जाती हैं, अगर आपको यहाँ के सुवेनियर्स और इस तरह की चीज़ें लेनी हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके सो ये मलेशिया का फेमस नाश्ता है और उसको कहते हैं रोटी तिलोर। यार चने की दाल गोश बनती है ना, उस तरीके का टेस्ट है। और यहाँ पे लोग नाश्ते में इस तरह चिकन पीस भी खाते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो ती तारीख है ये इनकी चाय होती है, मतलब कड़क चाय इसका मतलब होता है। तो 2.80 रिंगिट की ये है। आयाम गोरिंग जो है ये इनका चिकन लेग पीस होता है, बेसिकली लेग पीस भी होता है, इनके पास चेस्ट पीस भी होता है, तो ये बहुत मज़े का होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक इनकी प्लेटर टाइप का होता है जिसके अंदर ये रोटी तेलोर, इसके अंदर जो है आपको एक डोसा मिलता है और उस डोसे के अंदर अंडा होता है और उसी के साथ आपको जो है वो सालन भी मिलता है जो कि दाल के टाइप का सालन होता है। और अगर इसी के कंपैरेटिवली आप डाउनटाउन से जाके ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है ये इनकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये इनकी मस्जिद है पुट्रा है और इसी के साथ ये लेक है और यहीं से जो है वो स्टेयर्स नीचे जा रही हैं जहाँ पर हमने जाके ब्रेकफास्ट किया था अभी। सो दिस इज़ मस्जिद है पुट्रा और यहाँ पर एंट्रेंस पर ही आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं लिखी हुई। और अंदर जाने के लिए बेसिकली लेडीज़ के लिए ड्रेस कोड है, वो पहन के जाना पड़ता है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप रेड कलर का जो गाउन पहना हुआ है लेडीज़ ने, तो लेडीज़ के लिए जो है वो ये ड्रेस है, आपको ये पहन के अंदर जाना पड़ता है। और ओवरऑल आप ये चेक करें, निहायत खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा, व्लॉग करने के लिए इससे मज़ेदार जगह कोई नहीं है, क्योंकि ना इनको हमारी बात समझ में आती है, तो मज़े से आप कुछ भी बोल लो, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आप इनके खाली रोड चेक करें, ये देखें आप, साफ सुथरे रोड, कहीं पे आपको रश नहीं मिलेगा। लोग बाइक्स भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, बट कहीं पे भी आपको ना गंदगी मिलेगी ना ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। पुट्रा जाया के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताता चलूँ कि बेसिकली ये जगह कुआलालंपुर में नहीं आती है, कुआलालंपुर से हटके है, पहले ही कुआलालंपुर में आती थी, यहाँ पे सारे इनके मिनिस्टर्स और इस तरह के लोग रहते हैं, तो अब ये बट कुआलालंपुर में नहीं है। और बना हुआ बहुत अच्छा है यहाँ पे, इवन कि आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। बट मलेशिया का जो सबसे ख़राब सीन है ना वो यहाँ का वेदर है, क्योंकि जब हम सुबह में निकले थे अराउंड 7:30-8 बजे तब यहाँ पर बहुत चिल वेदर था, सब कुछ मज़ेदार था। बट अभी शायद 12 बज रहे हैं और 12 बजे के हिसाब से यहाँ पे शदीद गर्मी हो चुकी है, इतनी कि हमसे बेयर नहीं हो रही है। ठीक है, आप मेरे पीछे चेक कर सकते हैं, सारे क्लाउड्स आ चुके हैं और यहाँ पे डेली का रूटीन है कि इसी तरह गर्मी होती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। बट दुबई की गर्मी के बारे में लोग शिकायत करते हैं कि दुबई की सबसे ख़राब गर्मी है, बट मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंट गर्मी है, तो आप थोड़ी देर में यूज टू हो जाते हो। यहाँ पर अजीब वेदर है, बारिश का सर जैसे होने वाला होता है ना, गर्मी हब्स बहुत ज़्यादा, सो इट्स अनबेरेबल। हमें तो हो रहा है कि बस किसी भी तरह हम जल्दी से होटल जाएं। बट ये है कि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये देखें, निहायत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से पूरा एक दिन भी आपको यहाँ पे कम पड़ जाएगा अगर आप सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। पुट्रा जाया को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कि एक दिन आप पूरा का पूरा इसको दे सकते हैं। और काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी आपके पास जगह है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ।